समर्थक लोग तो उसको 2020 में मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, बन गया। मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी है जो सही से विधायक के चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, उसको बिहार के मुख्यमंत्री घोषित करवा। मनीष कश्यप हीरो कैसे हो जाएंगे? अंधभक्त को समझाना बहुत मुश्किल है। मतलब 100 आदमी मिल के फूल माला बरसा दिए, वही में आप मुख्यमंत्री बना दिए। अगर सत्य होते तो अभी तक वो बेल पर बाहर आ जाते। उसके साथ जो भी है तो लफुआ गैंग का पत्रकार ही है। अंधभक्त और मनीष भक्त को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, ना समझा पाइएगा। बिहार के युवा के एक गो लीडर है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। अगर जो पूरा युवा के लीडर रहते तो हम लोग भी वहाँ आते। हम लोग बूढ़ा थोड़ी है जी, हम लोग सब तो युवे आए हुए हैं। लोग तो उसको आतंकवाद मानते हैं, वो आतंकवादी है। आतंकवाद है ना, वो हीरो है कि जीरो है, बाहर आएंगे तो सरकार गिराएंगे। वो बाघ है कि बिल्ली है, बाहर आने के बाद ना उनको तोला जाएगा। उसको हीरो हीरो निगेटिव टाइप का हीरो मानते हैं हम, विलेन जिसको विलेन आप लोग। मनीष कश्यप को मदुरई से बेतिया लाया गया, उसके बाद कोर्ट में मामला चला। कोर्ट ने कल पटना सिविल कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि भाई अब मनीष कश्यप बिहार के जेल में ही रहेंगे। बात वहां तक थी, मगर उसके बाद जो लोग कह रहे हैं कि बिहार का शेर है मनीष कश्यप, मुख्यमंत्री बनेगा, फ्यूचर मुख्यमंत्री है, देखिए किस तरह से फूलों की बारिश हुई और कितने लोग आए। तो इस पे हम और लोगों से बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे। शेर है मनीष कश्यप बिहार का, भीड़ बहुत है। कौन बोला? समर्थक लोग कह रहे हैं। समर्थक लोग तो उसको 2020 में मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, बन गया। बन गया नहीं ना, जो सही से विधायक के चुनाव नहीं लड़ पा रहा है उसको बिहार के मुख्यमंत्री घोषित करवा। भीड़ नहीं देख रहे आप? हाँ एकदम बिल्कुल। पटना के बाइकर्स गैंग का नाम सुने हैं? उसका मेन लड़का को उठा के लिए उससे कहीं ज्यादा भीड़ रहेगा। पटना के महाकाल गैंग का नाम सुने हैं? बुला के लिए उसके मेन को, उससे ज्यादा भीड़ रहेगा। मतलब 100 आदमी मिल के फूल माला बरसा दिए, वही में आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। युवाओं का लीडर है वो। अरे गजब बात कर रहे हैं। आप युवा है, मानते हैं लीडर? सुनिए बताते हैं, अगर युवाओं का लीडर है वो तो 2020 में चनपटिया विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा था, जीत नहीं जाता? जीत नहीं जाता? जीता नहीं ना, तो अब ज्यादा जनाधार हो गया। अच्छा तो फिर एक बार लड़ ले। पहले तमाम जो आप पर धारा लगा है, तमाम जो एक्ट लगा उसको हटने दीजिए ना, उसके बाद ना लड़िएगा। और उनका कहना है कि तो साजिश के तहत लगा दिया गया, मगर कितना दिन शेर को जंगल बंद करके रखिए। साजिश कौन लगा दिया? साजिश के तहत उसको कौन फंसा दिया बोलिए? कौन फंसा दिया? कौन पार्टी? यहाँ की सरकार फंसा दी। यहाँ की सरकार मतलब महागठबंधन की सरकार। जिस केस में वो आया है ना गवाही देने, वो कोई आव नहीं किया है, वो बीजेपी के विधायक चनपटिया वाला किया है केस। अब फंसा दिया ही पार्टी, थोड़ा लॉजिकल से मतलब देखिए, आप गुनाह करिएगा, आप दो राज्यों के बीच लोगों को लड़वाइएगा, आप दो राज्यों के मुख्यमंत्री का रिश्ता खराब करवा दीजिएगा, और जब आप पर एनएसए लगेगा तो बोलिएगा सरकार यहाँ के लगा दी है। मतलब इस बात का कुछ लॉजिक मिल नहीं रहा है कि बोलना। भीड़ तो था ना। अरे देखिए सुन, अंधभक्त और मनीष भक्त को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, ना समझा पाइएगा। बोले इतना भीड़ था कोर्ट के बाहर, भीड़ था, मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। देखिए भैया, इसका नाम सुने थे लॉरेंस बिश्नोई? हाँ। एक लड़का था दुर्लभ कश्यप, 17 ही साल का था, पूरा उज्जैन को हिला कर रख दिया था। नाम सुने थे? इससे ज्यादा कहीं उसका भीड़ था। हाँ तो क्या मतलब, आप कुछ भी लड़का लोग बोले, अंधभक्त कुछ भी बोल देता है, मनीष भक्त कुछ भी बोल देता है, और आप लोग है कि कुछ भी मान लो। आप जैसे ही लड़के तो हीरो मानते हैं ना साहब? हम जैसे लड़के ही तो विलन मानते हैं साहब, हम जैसे लड़के ही तो विलन मानते हैं। और कितने परसेंट युवा मानते हैं? मतलब क्या बोलते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा करवा के आप धारा माफ करवा लीजिएगा का? नहीं ऐसा तो नहीं, आप जेल से छुड़ा लीजिएगा क्या? अरे जो उसका चमचा है उसका आप परेशानी बढ़ा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा। जब हाई कोर्ट मना कर दिया है कि इस तरह से आप पर क्या बोलते हैं आदतन अपराधी, बिहार पुलिस बोल रही है कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। हम नहीं बोल रहे, बिहार पुलिस बोल रही है। अब बोल रहे कि आप मनीष कश्यप के समर्थक और अंधभक्त को समझा नहीं पाइएगा, लाख समझाइएगा, लास्ट में जब वो आपसे न जीत पाएगा तो बोलेगा जय श्री राम। अच्छा तो मनीष कश्यप को हीरो मानते हैं आप लोग? बेशक उनको हम ऐसा हीरो मानते हैं जो इस प्रदेश में ही नहीं दूसरे प्रदेश में जाके एक ऐसा अफवाह फैलाता है। उसको हीरो हीरो निगेटिव टाइप का हीरो मानते हैं हम, विलेन जिसको विलेन आप लोग मानते हैं। हाँ कि वो जहाँ भीड़ कितना था रेलवे स्टेशन पे, कोर्ट के बाहर, ही सब नहीं देखते आप लोग? जयपुर में अफराजुल के हत्यारे को जो पकड़ा गया था, आपने उसकी भीड़ को देखा था? कोर्ट पे जाकर उसने तो भगवा झंडा तक फाड़ा दिया था। यहाँ तो मधु कूड़ा के जो फाइनेंसर्स हैं, जो उनके कैशियर्स हैं, उनका गैंग मनीष कश्यप को प्रोजेक्ट करने में लगा है। कभी वो गैंग कभी कन्हैया कुमार के प्रोजेक्ट करने में लगता है। क्या लगता है मनीष कश्यप हीरो है या विलन? जीरो। जीरो जीरो। कैसे? भादो का मेघ देखे हैं, बरसात में ही निकलता। हाँ वही है। कैसे भाई इतना भीड़ आ रहा है? वो तो आपको आपको 90 से पहले का इतिहास बिहार का मालूम है। हाँ आपसे पूछ रहे हैं जी, बोलिए ना। अभी अभी का बात कीजिए ना।
नना एक उदाहरण हम दे रहे हैं जो 90 से पहले बिहार का इतिहास मालूम है जी। 2 किलो अनाज के लिए मजदूर मजदूरी करने जाता था, वही हाल अभी अंधभक्त समझते हैं ना, जो भैया भी बोले अंधभक्त को समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे आपकी आय 20,000 है, आपके ऊपर अगर 5,000 पर मंथ कर्जा होगा तो क्या समझिएगा हम इनकम करते हैं? नहीं, वही है मनीष कश्यप। तो हीरो नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हैं, बोला अगला मुख्यमंत्री। उससे सबसे बढ़िया हीरो मेरा खान सर है, विपिन मैथ मस्ती है, उससे बड़ा हीरो किसी को नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं। जी, क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में? मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी है। हाँ। बात रही भीड़ का, तो हमारे गांव में एक जेसीबी जब खोदता है ना, हाँ, तो उससे कहीं ज्यादा भीड़ हो जाता है। क्या होता है आपके गाँव में? तो हमारे गाँव में अगर जेसीबी खोदता है जमीन, हाँ, जेसीबी, तो उससे कहीं ज्यादा भीड़ हो जाता है, तो क्या वो जेसीबी ड्राइवर को मुख्यमंत्री बना लीजिएगा? मतलब जेसीबी की खुदाई में ज्यादा खुदाई में उससे कहीं ज्यादा भीड़ होता है, उसके साथ जो भी है, हाँ, तो लफुआ गैंग का पत्रकार ही है और उसका साथ ही जाता है उसमें सबसे ज्यादा, और कोई नहीं जा रहा है। बिहार का युवा, बिहार का युवा कहाँ से, बिहार का युवा कहाँ से उतना प्यार है उसके? वो एक आदतन अपराधी है, वो पहले भी हर वक्त साजिशन फंसाया गया है। उसको साजिशन नहीं, उसका कार्य के अनुसार ही फंसाया गया है। वो 2 राज्यों को लड़ाना चाह रहा था, आदमी में जो कि बोलिए उन्माद फैलाना चाह रहा था, जिसके चलते वो उस पर NSA लगा हुआ है, और वो एक आदतन अपराधी है। नहीं देखे फूल बरसा ऐसा, देखिए फूल, अरे फूल तो उसका हम देखे हैं कि एक माला का था, उस मलबा का नोच नोच कर लोग बिक रहे थे, कितना फूल था, हो सकता है एक ही गुलदस्ता का फूल था। अब फूल तो बहुत अपराधी को क्यों नहीं पड़ता, बहुत तू लोगों को पड़ता है, बहुत सारे ऐसा अपराधी है कि जो जेल से छूटते हैं और उस पर लोग अति करते हैं, तो क्या उसका अति जो अपराध हो जाता है तो साबित हो जाता है? सत्य थोड़ी होता है, सत्य नहीं हो पाता है, अपराधी अपराधी हो रहता है, अपराधी का भी समर्थक होते हैं, ऐसा थोड़ी बात नहीं कि अपराधी अकेले होता है। अच्छा, हाँ ऐसा बात ये है। ये तो है, तो मतलब वो उसके जो समर्थक है सब वैसे ही है क्या? हाँ, उसके जो साथ में जो समर्थक है वो लफुआ गैंग का समर्थक है। लफुआ गैंग? हाँ, लफुआ गैंग का क्या होता है? लफुआ गैंग का जैसे मतलब वो कभी भी रोडबाजी कर पाते हैं, हाँ, हर जगह कहीं ना कहीं अपना उन्माद फैलाने के लिए रहता है, और खुद उसी के लोगों का, उसी के समाज के उसी प्रकार के लोग हैं जो जो कि उसमें पत्रकार भी लोग शामिल हैं, सब वैसे ही लोग हैं। हाँ ठीक है, आइए लोगों से और जानते हैं। क्या लगता है सर, मनीष कश्यप हीरो है? मनीष कश्यप हीरो कैसे हो जाएंगे? अरे कल तो सब समर्थक कह रहे थे देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, आप चोर आया, चोर आया, ये नहीं सुने थे? नहीं, नहीं सुने। ऐसा भी था? अच्छा, ऐसा भी चोर आया, चोर आया, चोर आया, चोर आया। कल फूल बरसा, कहा गया कि बिहार का भावी मुख्यमंत्री आपके जो समर्थन में है आपके लिए तो फूल लेके खड़े रहेंगे, जो आपके विरोध में वो आपके लिए क्या क्या लेके खड़ा रहेंगे बताइए आप ही। तो कहा जाता कि बिहार के युवाओं का लीडर है ये? नहीं नहीं नहीं, बिहार के युवा के एक गो लीडर है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी जी को तो बोल दिया 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। नहीं नहीं, ऐसे आपके बोल देने से नहीं ना हो जाएगी सरकार गिर गया? नहीं बोला, वो बोला है तो वो बोला तो गिरा देवे, गिरा देवे। बोलना और करना अंतर है ना भैया, बस यही बात है, बोलना और करना में अंतर होता है। बोले शेर को कब तक पिंजरा में रखिएगा, बाहर आएगा तो हिला देगा। अच्छा, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है कि कोई आके तुरंत बोल दिया कि आज हम सरकार गिरा देंगे तो सरकार गिर जाएगी, आज बोलेगा कि हम बना देंगे तो आज सरकार बन जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप लोग क्या मानते हैं मनीष कश्यप? हम लोग तो उसको आतंकवाद मानते हैं, वो आतंकवादी है। आतंकवादी? हाँ, तो और क्या, वो राज्य में दंगाई दंगा फैला रहा है, उसको मैंने आतंकवाद नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा, कि सज्जन व्यक्ति हैं आप लोग, आतंकवादी है डायरेक्ट, तो और क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे उसको? अगर वो सत्य होते तो अभी तक वो बेल पर बाहर आ जाते। NSA लगा हुआ है तो आतंक को बढ़ावा दे रहे थे ना जी, दंगा करवा रहे थे ना, वो दंगे ना करवा रहे थे, क्या करवा रहे थे बताइए कि वो क्या करवा रहे थे? मनीष कश्यप जी क्या करवा रहे थे बताइए? वीडियो बना रहे थे, तो बिहार की युवाओं का उत्थान करा रहे थे। उत्थान करा रहे थे जो मैंने तमिलनाडु में घटना को जो मीठापुर में शूट कर रहे थे, यही ना बात है जी। अच्छा, इसी कारण से ना जेल गए हैं क्या, और कोई दूसरों कारण? वीडियो मामले में, फर्जी वीडियो मामले में। हाँ। तो वो दंगा बढ़ा रहे थे कि दंगा को शांत कर रहे थे? आइए आप बताइए, क्या लगता है कि मनीष कश्यप हीरो हैं क्या हैं, कलावा वलावा बांधे में हैं? मनीष कश्यप हीरो कैसे हो सकता है, वो तो बेचारा एक रिपोर्टर था, धीरे धीरे उसका व्यूअर बढ़ा, चमक गया। नहीं, अब कहा जा रहा है कि बिहार के युवाओं का लीडर है वो। कैसे लीडर होगा वो, वो अपने मन से मान लेने से हो जाएगा? समर्थक बोल ले, देख फेंक रहे, काय को समर्थक है उनका? कल भीड़ लगा हुआ था कोर्ट के बाहर। हाँ तो भीड़ लगा था तो क्या हुआ, भीड़ में तो हम थे नहीं।
अगर जो पूरा युवा के लीडर रहते तो हम लोग भी वहाँ आते। हम लोग बूढ़ा थोड़ी है जी, हम लोग सब तो युवा आए हुए हैं, हम लोग भी उसका समर्थन में आते। तो क्या मानते हैं मनीष कश्यप को, कि वो सही है गलत है क्या है? देखिए वो सही है या गलत है इसका डिसीजन तो सरकार करेगी, पहले तमिलनाडु से आए उसके बाद यहाँ का एक्सक्यूज कबूल करे बिहार में, उसके बाद है ना वो हीरो हैं कि जीरो हैं, बाहर आएंगे तो सरकार गिराएंगे, वो बाघ हैं कि बिल्ली है, बाहर आने के बाद ना उनको तौला जाएगा। देखो देखो कौन आया। हाँ तो बोला होगा सब कि शेर आया, शेर आया, हो सकता है चोर आया भी तो बोला होगा कोई। अच्छा सब समर्थक है उनका, यहाँ किस चीज का भीड़ लगा हुआ इतना देखिए हजारों की संख्या में। तो देखिए कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई नहीं शेर नहीं है, कुछ लोग ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हाँ शेर है, मगर जो मामला है वो मामला तो कोर्ट में है, मगर कोर्ट के बाद के जो मामले हैं कि हाँ क्या लोग क्या समझते हैं, क्या सच में बिहार के युवाओं का लीडर है मनीष कश्यप या चंद भीड़ सिर्फ उनके पीछे थी, तो सच्चाई आपके सामने है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।